ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम तुम्हें कभी नहीं पूछेंगे काना। दी हुई सीख हम भूल गए, उसके और हमारे बीच में पर्दा डाल दिया जिसने सदा हमारी रक्षा की। हमने अपनी संतान की मृत्यु का दोषी आपको ठहराया, हमने आप पर अभी तो हमारी सोच पर पर्दा डल गया था। हमने आपका साथ छोड़ दिया, परंतु आपने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। और हमारे शरीर में हमारा हसन और रोसे दोनों की छवि दे डाली। आज हम अपना विश्वास और अपना सलीम दोनों आपको सौंपते। हम आपसे अब ये नहीं मांगेंगे कि आप सदा इसकी रक्षा करना या अपना आशीर्वाद इस पर बनाए रखना, क्योंकि हम जानते हैं आप ऐसा अवश्य करेंगे, क्योंकि हमारे सलीम में हमें आप ही की छवि तो दिखती है काना। बस हो सके तो अपनी जोधा को क्षमा कर देना काना। हम आ गए हैं जोधा बेगा, ना ही आपको आपके काना से माफी मांगनी होगी, ना ही हमसे। हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बेगम साहिबा, क्या आप वाकई में ऐसा करना चाहती? बेशक मौलवी साहब, फातिहा पढ़िए। माफ कीजिए रुकैया बेगम, मैं किसी जिंदा खातून की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता। कफन दफन और नमाज जनाजा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना बेगम एक खास को ना करने का अंजाम ठीक नहीं होगा मौलवी साहब। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली। ये है रुकैया के आखिरी आंसू, क्योंकि आज के बाद हम अपनी किस्मत पर कभी नहीं रोएंगे।
आज के बाद ये पुरानी रुकैया हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। फातिहा पढ़ते रहिए। ये है रुकैया के आखिरी आंसू। रुकैया बेगम अभी तक शहजादे को देखने नहीं आई। आप एक बार जाकर देखिए, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, आप किसी बात से बैठे थे? नहीं, ऐसी कोई बात। शहनशाह, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी भी एक दूसरे को ना तो झूठ बोलेंगे और ना ही कोई बात छिपाएंगे। बताइए हमें। तो क्या बताएं शहजादा बेगम, जानकर खामा का तकलीफ होगी आपको। फिर भी बताइए। रुकैया बेगम का बर्ताव हमारी समझ से बाहर है शहजादा बेगम। सलीम तुम्हें सर्विस लेने में नहीं आई कि सलीम आपकी औलाद है और वो लश करती हैं आपसे, तो जो हुसैन के साथ हादसा हुआ था उसके लिए अब भी वो आपको जिम्मेदार मानती हैं। हम उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं शहनशाह, उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा से कम नहीं है, परंतु वो सलीम को भी अपना बेटा मान सकती है। ये बात हम जानते हैं, ये बात हम समझते हैं, लेकिन रुकैया बेगम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगी। शहनशाह, जो घाव समय देता है उसे समय ही भरता है। वो एक स्त्री है और हम भी, और हम उनकी पीड़ा को अच्छे से समझ सकते हैं और हमें पूरा विश्वास है ये जब वो सलीम को देखेंगी तो उनकी सारी पीड़ा, सारे घाव हवा हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सलीम फिर रोने लगे आप? अच्छा चल, आपसे बेहतर हम इनकी देखभाल कर सकते हैं। नहीं, देखा चुप हो गया। आश्चर्य, हमें माफ कर दीजिए जोधा बेगम, हमारे दिमाग में एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करने का हमने किया है, हमने एक माँ पर उसके दोनों बच्चे के कत्ल के इल्जाम लगाए, हमने आप जैसी बेहतरीन माँ से उसके बच्चे को अलग करने का सोचा। ये गलत ख्याल हमारे दिमाग में आया भी कैसे? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई चौदह बेगम, हमें माफ कर दीजिए।
हमें उनके बच्चे की शक्ल देखने का हक भी नहीं है। हम तो बस यहाँ आपसे माफी मांगने आए थे। हम सलीम का चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन शायद हमारी गलतियों ने हमें इस काबिल नहीं छोड़ा। हमने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत बुरा सोचा है हमने आपके बारे में। हमें माफ कर दीजिए। अरे मोहसमानी, हमें माफ कर दीजिए। आप क्या कह रही हैं रुकैया बेगम? सलीम आपका भी पुत्र है, आप उनकी बड़ी अम्मी जान हैं। उन्हें खिलाने का, देखने का, गोद में लेने का आपका पूरा पूरा अधिकार है। ये लीजिए, अपना अधिकार पूरा कीजिए। कितना भाग्यशाली है हमारा पुत्र, इन्हें एक साथ दो दो माओं का सानिध्य मिलेगा। यदि सलीम की माँ कहलाने का सबसे पहला अधिकार किसी का है तो वो आपका है रुकैया बेगम, क्योंकि हमारी असावधानी के कारण ही आपने अपनी संतान खो दी थी। इसे अपना आशीर्वाद दीजिए, इसे आपके आशीष की आवश्यकता है। मतलब आपने हमें माफ कर दिया? यदि यही सुनने से आपको शांति मिलेगी तो हाँ, हमने आपको क्षमा कर दिया। जानते हो शहजादे, तुम्हें पाने के लिए हम हर जंग लड़ सकते हैं, और हमें ये जंग जीतनी ही है। तुम ही हो जिसकी वजह से जलाल और जोधा बेगम फिर से करीब आए। अब तुम ही उनके बीच सबसे बड़े अलगाव की वजह बनोगे। चलो जिलबहार, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। देखो ये है आगरा की शान। आओ सलाम वालेकुम। वालेकुम असलाम। हुजूर, मेरा नाम राशिद अहमद है। हम लोग मौसीकी के फनकार हैं। मैं तबला बजाता हूँ और मेरी बेगम बहुत अच्छा नाच पेश करती है। पहले हम लोग अवध में थे और अभी काम की तलाश में हम लोग यहाँ आए हैं। किससे मिलना है? किसी का सिफारिशी खत लायो तो अंदर जाने दे सकता हूँ, वरना उस दिन आना जिस दिन दीवाने आम लगेगा। जी नहीं, मेरे पास कोई भी सिफारिशी खत तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही उम्दा तबला बजाता हूँ। फिर तो तुम दीवाने आम के दिन ही आना, ऐसे हम किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। क्या बात हुई? कुछ नहीं, हमें दो दिन इंतजार करना होगा, शहनशाह दीवाने आम में मिलेंगे। हम ये तावीज़ शहजादे सलीम को नजर करने के लिए लाए हैं। वो शहजादा सलीम है, कोई खिलौना नहीं कि जिसने चाहा देख लिया। ऐसे नहीं अंदर जाने दे सकते। देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं और फिर कहा ना, ऐसे नहीं अंदर जाने दे सकते। अब जाओ यहाँ से। एक काम करो जिलबहार, ये तावीज़ इन्हें दे दो। देखिए, आप हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन दुआ के तौर पर यह तावीज आप शहजादे को दे सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। अब जाओ तुम लोग यहां से। अब चलो जिलबहार,
रात होने वाली है, हमें सर छुपाने के लिए ठिकाना भी ढूंढना होगा, और वैसे भी मौसम ठीक नहीं लग रहा। आओ जाओ यहां से। वाकई तबस्सुम बेहतरीन तस्वीर बनाती है। जोधा बेगम, हम ये तस्वीर शहंशाह के ख्वाबगाह में लगवाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि शहजादे और मरियम उज़्ज़मानी की बहुत ही नायाब तस्वीर बनी है। हाँ शहंशाह, आज तक तबस्सुम तस्वीर बयां करने पर बनाया करती थी, लेकिन आज हमने उसे शहजादे सलीम को देखकर तस्वीर बनाने के लिए कहा था। और ये देखिए, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ख्याल था ये। मरियम उज़्ज़मानी, कैसे हैं हमारे सलीम? बिल्कुल अच्छे हैं, बस आपकी भांति थोड़ी सी शरारती और नटखट हो गए हैं। आपसे इजाजत चाहेंगे, तुरमल साहब से कुछ बात करनी है। लेकिन वाकई तबस्सुम की आज तक की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। होनी भी चाहिए, आपके ख्वाबगाह में जो लगवानी है। होशियार, इस तस्वीर को करीने से रख दिया जाए ताकि इसका रंग सूखने से पहले इसमें कोई गड़बड़ ना हो। जी हुजूर। अच्छा रुकिया बेगम, अब हम भी चलते हैं। ख्याल रखना। बिल्कुल। भले ही जोधा बेगम मरियम उस जमानी बन जाए, मरियम उस जमानी का औहदा उन्हें मिल जाए, मगर हम उनसे वो औहदा हमेशा के लिए छीन लेंगे जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा है, सलीम की अम्मी जान होने का औहदा। शहजादे सलीम हमेशा हमें अम्मी जान कहकर पुकारेंगे, और जोधा बेगम को मरियम उस जमानी यानी मुगल सल्तनत के वलीअहद को पैदा करने वाली खास बेगम। देखा शमशाद बाबू, कितने नच्छट है ये, इन्हें बस हमारी गोद में सोना है। लगता है कि हम रात भर अपने सीने से लगाकर इन्हें घुमाते रहे, जहाँ पानी में रखे जाते लगते। आपने ही शहजादे की आदत बिगाड़ी है जोधा बेगम, आप भी कहाँ एक पल के लिए भी शहजादे को छोड़ती हैं। क्या करें, अपनी गोद में से नीचे आने का हमारा मन ही नहीं करता है। आदाब जोधा बेगम। वो एक खातून और उनके शौहर आए थे किले के दरवाजे पर, खातून हमला थी और शहजादे के लिए उन्होंने ये तावीज दिया है। अच्छा, तो इन्हें भीतर क्यों नहीं आने दिया आपने? वो शोहर तबलची था और उनकी बेगम नृत्यांगना। तो क्या हुआ, है तो हमारी प्रजा ही ना, फिर हमारे बेटे सलीम के लिए जो भी प्रेम से भेंट लाए तो उन्हें भीतर आने देना चाहिए था। नहीं जोधा बेगम, ऐसे किसी को भी शहजादे को दिखा नहीं सकते, नजर लग जाए उन्हें तो, और बच्चे पे ऐसी औरत का साया। चुप करो ज़कीरा, कैसी बातें कर रही हो? एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का सम्मान करना सीखो। और फिर वो गर्भवती थी, ऐसी स्त्रियों की नजर नहीं बल्कि दुआएं लगती हैं बच्चों को। वो तो लौट गई, परंतु उनका दिया हुआ आशीर्वाद हम अवश्य अपने सलीम को देंगे। इस ताबीज को इनके पालने में बांध दो। हे काना, जो भी औरत हमारे बच्चे के लिए आशीर्वाद स्वरूप ताबीज लेकर आई थी, उन दोनों की रक्षा करना। इसके लिए दुआ मांग रही है। ये तो जाती है जोधा बेगम कि अब सारा वक्त हमारी जान के साथ बिताती है, अब कुछ वक्त हमें भी हमारे शेखू बाबा के साथ गुजारने दीजिए।
कैसा है हमारा बच्चा? ये क्या शहंशाह, आप चुपके चुपके हमारे विरुद्ध हमारे बच्चे के कान में क्या कह रहे हैं? ये उचित नहीं है शहंशाह। क्या कहा आपने इनसे? अब तो ये शेखो बाबा बड़े होकर ही आपको बताएंगे कि हमने इन्हें क्या कहा। बताइए ना। जो गायत्री मंत्र हमने आपसे सीखा, हम इन्हें बस वही सुना रहे थे। अब आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने सलीम के कानों में कुरान का कलमा पढ़ा था। बेगम, आपसे कुरान सुनकर और हमसे गीता सुनकर अब देखिएगा हमारा बेटा बहुत ही बड़ा आलिम बनेगा, हमसे भी बड़ा शहंशाह बनेगा ये।